हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। यू नो, काफी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे लाइक्स मिले हैं और सब्सक्राइब भी काफी लोगों ने किया है मुझे पिछले एक दो महीने के अंदर। तो अभी जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ, सीधी बात करता हूँ, ज्यादा घुमा के या ऐसी बात नहीं, मतलब अपनी जो सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो फ्रेंड, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो इथेरियम POW फॉर्क IOU टोकन, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ETHW टोकन है। इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें देखी होगी आपने। तो बेसिकली ये टोकन कहां से आया, एकदम कहां पे एकदम आ गया, ये एथेरियम मर्ज के बाद ये इथेरियम W टोकन, मतलब ETHW टोकन ये मार्केट में आया है और काफी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट भी किया है। और यू नो, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे प्राइस पे 72 के आसपास आई थिंक, देख लेते हैं इसका प्राइस, ये कितने प्राइस पे आया था। ये काफी अच्छे रेट्स पे आया था मार्केट में और बहुत ज्यादा गिर गया। तो मैं आज इसके इसका कोई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं बता रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो एयर ड्रॉप है ये किस तरह से आपको मिलेगा और आप किस तरह से इसको क्लेम कर सकते हो। ये कोई वैसे नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा या कुछ भी है। आपके अगर इथेरियम ज्यादा है तो आपको एज ए यू नो एयर ड्रॉप मिल सकता है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कैसे ग्रैब करना है ये। तो फ्रेंड, ये 7 डे, अगर 14 डेज का मैं चार्ट देखता हूं तो ये ऑलमोस्ट जो है $57 दिखा रहा है। यहां नीचे देख लेते एक बार कितने डॉलर पे गया था ये। इसका जो ऑल टाइम हाई था, हाँ, $21 दिखा रहा है यहाँ। थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रॉन्ग दिखा रहा है कुछ ना कुछ। एनीवे, ये ETHW टोकन कैसे आपने अप्लाई करने हैं और इसका जो ETHW टोकन का मेटामास में कैसे सेटअप करना है मैं बता देता हूँ। अच्छा, दो तरह के सेटअप करने हैं, एक तो मेननेट करना है और एक टेस्टनेट करना है। सबसे पहले आपको टेस्टनेट बताऊंगा, टेस्टनेट कैसे करते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है linktr.ee/ETHW। इसके ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर जो 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 लिंक ट्री की जो भी के ऊपर जो ETHW की वेबसाइट मेननेट रन एंड नोड जो डेवलपर्स के लिए है, तो वहां पे तो हमें जाना है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टनेट का, ठीक है, टेस्टनेट के ऊपर जाना है। तो टेस्टनेट का यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो टेस्टनेट पर क्लिक करेंगे, जब ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद ये टेस्टनेट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट ETHW फर्स्ट टेस्टनेट आइसबर्ग रिलीज, ये टेस्टनेट तो रिलीज हो गया। अब इसको एक्चुअली आप मेटामास्क में एड ऑन कर सकते हो। ये सारी जो है डिटेल यहाँ पे दी गई है, ETHW टेस्टनेट आइसबर्ग V1.20.1 और GitHub की डिटेल दी गई है। इनको कुछ नहीं देखना, आपने RPC से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेटवर्क RPC के नीचे जो नेटवर्क लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है और आपको कहाँ पे पेस्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी किया और ये सारी डिटेल है, 5 लाइनों की जो बीच में डिटेल है ये सारी की सारी कॉपी करके पेस्ट होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेटामास्क खोलेंगे अपना और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो कलरफुल राउंड है सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेटवर्क का ऑप्शन खुल जाए तो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क के क्लिक करने के बाद एड ए नेटवर्क डालेंगे तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे वो हो गया तो यहाँ पे सारी वहां से क्लिक करनी है, तो टेस्टनेट से क्लिक करनी, यहाँ पे कर कॉपी कर लिया और मेटामास्क में जाके ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली इंफॉर्मेशन क्या है, RPC, इसको भी कॉपी कर लिया, कॉपी
और यहां पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही चेन आईडी डालेंगे यहां पे, ठीक है, 10,002 ये चेन आईडी डालेंगे यहां पे। नेक्स्ट ये कॉपी कर लेंगे, फिर यहां पे पेस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद करेंसी सिंबल है एथ डब्ल्यू, वो थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हो, एथ डब्ल्यू। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस वो है ब्लॉक एक्सप्लोरर यूआरएल, तो वो कहां से मिलेगा, सेम यहीं से मिलेगा, यहाँ पे एचटीटीपीसी के बाद जो लिखा हुआ है यहां से कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे तो आपका जो है सेव करने के बाद आपका ये यहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ, सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे एथ डब्ल्यू मेन नेट नहीं टेस्ट नेट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, आइसबर्ग ये टेस्टनेट आ गया लिखा हुआ, तो ये समझ लेना। यहाँ पे फिर जनरल में चले जाएंगे, तो वापस चले जाएंगे इसको, फिर वापस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ पे आ गए। तो ये आपका जो एथ डब्ल्यू का जो ऑप्शन खुल गया है और ये आइसबर्ग टेस्टनेट का ऑप्शन है। अब चलते हैं एड्रॉप की बारी, एड्रॉप कैसे मिलेगा हमें, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम करना है, जो भी अभी किया है वो सेम करना है, वो करना है, इसके पास वापिस जाना है। तो सबसे ऊपर देखेंगे हम मेन नेट होगा, याद रखना एड्रॉप उसको ही मिलेगा जिसके ऑलरेडी पहले से इथेरियम है। अगर आपके पास $1 के इथेरियम है तो $1 के एथ डब्ल्यू टोकन मिलेंगे आपको। अब एथ डब्ल्यू टोकन आपको पता है कई जगह ये अभी से ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड अगर आप इसको कहीं पे ट्रांसफर करना चाहते हो आप चेक कर लेना, मैंने बिल्कुल नहीं छेड़े, पड़े हुए हैं। अगर ट्रांसफर वगैरह करने हो तो आप देख लेना, अगर बेचते हो तो आप बेच भी सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये एथ डब्ल्यू टोकन का मेन नेट लॉन्च है, इसमें दिखा रहे हैं, सेम टू सेम नीचे जाएंगे यहाँ पे, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी किया, फिर मेटामास्क में गए, ये कलरफुल बॉक्स में क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, फिर एक यहाँ नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर ऐड ए नेटवर्क पे करेंगे, ठीक है। ऐड ए नेटवर्क पे करने के बाद ये सारी डिटेल जो यहाँ पे देख रहे हो, टेस्ट नेट की जगह यहाँ मेन नेट डाल देंगे, और फिर ये सारी डिटेल यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करके उसके बाद सेव करनी है आपको लास्ट में। जब यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे तो यहाँ सेव का बटन विजिबल हो जाएगा, विजिबल होते ही क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आपके जो मेन नेट के अंदर, अगर आपके पास जो मेन नेट के अंदर $10 के टोकन होंगे, मतलब इथेरियम होगा $10 का, तो सेम टू सेम ये आपको भी $10 का मिल जाएगा। ये तो टेस्ट नेट का है, मैं मेन नेट का आपको दिखा देता हूँ। ये इतना इथेरियम अगर कितना भी इथेरियम बढ़ाए तो सेम टू सेम टोकन आपके दूसरे वाले वॉलेट में दिखाने शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स जब आपको मिल जाए तो थैंक यू बोलना कमेंट करके, अगर ना मिले तो इट्स फाइन, अगर इथेरियम है मेटामास्क के अंदर दैट्स गुड, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। बट मेरा मकसद ये था आपको बताना कि एथ डब्ल्यू टोकन का जो जो मेटामास्क में सेटअप कैसे करना है और कैसे आपको एयरड्रॉप मिलेगा इसका, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मेरा वीडियो छोटा लगे, अच्छा लगे और स्मार्ट लगे, ठीक ठाक लगे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल, क्योंकि आए दिन मैं ऐसी इंफॉर्मेशन अपने चैनल में देता हूँ। मैं चीजों को सिखाने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, ठीक है, छुपाने में बिल्कुल नहीं रखता, जितना मुझे आता है मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ किसी चीज को बांटने से वो ज्यादा और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो था, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज
लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एट माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं मोस्ट ऑफ द हावर्स में वहां पे हमेशा अलर्ट रहता हूँ। मुझे जैसे किसी को क्वेश्चन आता है तो एड नोटिफिकेशन आती है, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ जल्दी से जल्दी अगर मेरे पास होता है तो, ठीक है। साथ ही में कौन सा मार्केट में टोकन कॉइन अच्छा चल रहा है, कहाँ पे आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट मैं फिर भी आपकी हेल्प करता हूँ इस चीज को बताने के लिए कि मार्केट में बेसिकली चल गया है, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।